लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, क्यों मापो से महाराष्ट्र पुलिस सेवा जा, ओल्ड जसई रेलवे यार्ड में तेरे भाई हैदर और उसके साथियों की लाशें तेरा इंतजार कर रही हैं। हैदर, 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 वर्दी ये शान है हमारी, वर्दी ईमान हमारी, वर्दी पहचान है हमारी, वर्दी भगवान हमारी, देश को ये जन्म दे दिया। हमें वतन पे गर्व है। मुझे प्रेस को यह बताते हुए सख्त अफसोस हो रहा है कि क्राइम कंट्रोल स्क्वाड का सबसे जाबाज ऑफिसर हैदर अली खान अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आईएसआई का एजेंट था। पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मिलकर मुंबई में दोबारा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, जिसके लिए इंस्पेक्टर हैदर अली 500 टन आरडीएक्स मुंबई में लाने के लिए उनकी मदद कर रहा था। कल रात इंस्पेक्टर अवस्थी ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर उनके इस खतरनाक मिशन को नाकामयाब कर दिया। अवस्थी ने ना सिर्फ उस 500 टन आरडीएक्स को तबाह किया, बल्कि गद्दार हैदर अली खान और उसके साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया। हैदर अली के घर पर मारे गए छापे में हमें कुछ फ्लॉपीज, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, जाली पासपोर्ट्स, नकली वीजाज और आईएसआई के आइडेंटिटी कार्ड्स बरामद हुए हैं, जो हैदर अली के पाकिस्तानी दलाल होने के पुख्ता दस्तावेज हैं।
ये मैं क्या कर रहा हूं? किसी से उस हादसे के बारे में जिक्र ना करने की कसम खाई थी मैंने, और आज मैं ही वो कसम तोड़ रहा हूं। नहीं, त्यागी जी, ये क्या खबर लेकर आया है? समर सिंह पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राणावत का मुकदमा लड़ रहा है। उसने वकालतनामा भी दायर कर दिया है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है काशी जी? समर सिंह वकालत कर चुका है, ये दुनिया जानती है, लेकिन वो एक जज्बाती और शौकिया वकील है, और हम सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाले पेशेवर वकील हैं। चलिए, अरे मगर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। काशी जी, जितने झूठे सबूत हमारे पास हैं और जो आरोप पत्र मैंने बनाया है, उसके बाद समर सिंह तो क्या, साक्षात भगवान भी अगर अदालत में उतर आए तो वो भी राणावत को फांसी के फंदे पर झूलने से नहीं बचा सकता। द गेम इज ओवर। योर ऑनर, अर्जुन राणावत के साथ 15 सालों से काम कर रहे ऑफिसर्स को मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये गवाह इस अदालत को बताएंगे कि अर्जुन राणावत कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है और सत्य क्या है। इजाजत है योर ऑनर। ये वो अर्जुन राणावत है जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं। माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मूत निकल जाया करता था। जज साहब, ये वो अर्जुन राणावत है जिसके कारण अंडरवर्ल्ड वाले ये शहर तो क्या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। योर ऑनर, अगर पुलिस फोर्स में अर्जुन और हैदर अली जैसे ऑफिसर्स नहीं होते ना, तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना दल्ला और मुंबई शहर को अपना चकला बना चुके होते। मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और दूसरा इस कटघरे में खड़ा है। नमस्कार साहब, मैं तानाजी मालुसरे, मुंबई पुलिस में एक छोटू सा हरदली है साहब। कमिश्नर का कुर्सी पर बैठने वाले हर ऑफिसर का सेवा करने का ये अपना ड्यूटी है साहब, और मैं वो कुर्सी से बंधेला है साहब। लेकिन आज जो कुछ भी मैं बोलेगा उसके बाद मेरा नौकरी तो क्या, मेरा जान भी जा सकता है। जाते तो जाने दो साहब, परवा नहीं, लेकिन आज मैं सच बोल के रहेगा। दुनिया जानता है साहब, दुनिया, कि कैसा ये काशी त्रिवेदी पटदिशी ईमानदार सरकार को गिरा डाला, कैसा हमारा कमिश्नर साहब समर सिंह साहब का यूं चुटकियों में तबादला करा डाला। रातों रात इस काशी का पैर का तलवा चाटने वाला ये यशवंत देश पांडे, इसको रातों रात मुंबई शहर का कमिश्नर बना डाला। अरे देश पांड्या, देखता क्या है तू मेरे को? आ तुझा आईला तुझा।
तू राणावत साहब को गद्दार बोलता है भाई तू? अरे असली गद्दार तो तू है, तू और तेरा ये बाप मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी। जज साहब, अगर राणावत साहब गद्दार है तो सब गद्दार है, मैं गद्दार है, इस देश का हर ईमानदार पुलिस वाला गद्दार है। हाँ, हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। हाँ हाँ, हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। हम सब गद्दार हैं। जज साहब, ये साला त्यागी और ये हमारा कमिश्नर झूठ बोलता है ये। हाँ हाँ, झूठ बोलता है कमिश्नर, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है ये। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सब क्या चल रहा है? ये पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला कर अदालत को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, ये सब वही हो रहा है जो हमारे काबिल वकील साहब चाहते थे। मैं तो इस अदालत में सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि ईमानदारी और सच्चाई अभी भी इस देश में मरी नहीं है। योर ऑनर, अगर झूठ बोलने वालों की संख्या 10 है तो सच बोलने वालों की संख्या 10,000 है। झूठ बोलता है कमिश्नर, झूठ बोलता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अर्जुन राणावत की मां शकुंतला देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। शकुंतला देवी जी, कल जब अदालत आपके बेटे को देशद्रोही घोषित करके मृत्युदंड देगी तो क्या आपको इसकी मां होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा? अफसोस, अफसोस तो इस बात का होगा कि मैंने इसे पैदा क्यों नहीं किया। अफसोस इस बात का होगा कि इस देश के हर माँ ने एक अर्जुन क्यों नहीं जना। अफसोस नहीं जज साहब, अर्जुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा, वैसा ही गर्व जैसे भगत सिंह की शहादत के रोज उसकी मां को हुआ होगा, हर देशवासी को हुआ होगा। जज साहब, इस जन्म में तो क्या, मैं हर जन्म में अर्जुन की मां बनकर जीना और मरना चाहती हूं। वाह, क्या भाषण है, अद्भुत, लाजवाब। मगर मैं अदालत को याद दिला दूं कि यह एक सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा है जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और जज साहब, मैं अपने काबिल वकील साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकियों और तमाशों से नहीं। और फिर जज साहब, जब आरोपी के वकील ने इसकी मां के जरिए इस हत्यारे की तुलना भगत सिंह से करवा ही दी है तो शहीद आजम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा, जिसके बाद दुनिया की हर मां, हर बहन शर्म से डूब जाना चाहेगी। और ये मां इसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। योर ऑनर, हां तो शकुंतला देवी जी, आप अदालत को बताइए कि 1 नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दीजिए शकुंतला देवी, सामूहिक हत्याकांड की रात आपकी बेटी और इसकी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दीजिए, कहां थी वो? तो तुम ही बताओ अर्जुन राणावत, 1 नवंबर की रात तुम्हारी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दो अर्जुन राणावत, चुप क्यों हो? इसका जवाब ना तुम दे सकोगे और न तुम्हारी ये मां,
इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इसकी आवारा बदचलन और चरित्रहीन बहन मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के बेटे मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर के बेटे और अन्य कई लोगों के साथ रंगरलियां मना रही थी। वो एक हाई सोसाइटी कॉल गर्ल थी योर ऑनर, जिसके न सिर्फ इन मर्दों के साथ बल्कि अपने मुंह बोले भाई अर्जुन रणावत के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे। जो दिन में इसकी बहन और रात में इसकी रखैल थी, रात और खेल रखैल त्यागी। अरे गार्ड, इसने तो मारपीट शुरू कर दी। अरे कोई रोको इसे। ये तो गार्ड, सिक्योरिटी, अरे पकड़ लो इसे, गार्ड पकड़ लो इसे, पकड़ लो। छोड़ दे उसे, तुझे मेरी कसम। देखा, देखा आपने योर ऑनर, सत्र का गला घोटने का इसे और कोई तरीका आता ही नहीं। ये अपने अलावा किसी और मर्द के राखी के साथ नाजायज ताल्लुका देख ही नहीं सकता। 1 नवंबर की रात को जब इसने एक नहीं 3-3 मर्दों को अपनी रखैल बहन के साथ बिस्तर में पाया, तो इसी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा और इसने वो भीषण नरसंहार कर डाला। योर ऑनर, जागे। ऑर्डर, 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 आई से स्टॉप इट। समर सिंह, आपके मुवक्किल की एक और हिंसक हरकत मुझे इसी वक्त कार्रवाई रोककर फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी। सॉरी योर ऑनर। आज की कार्रवाई यहीं रोक दी जाती है, कल की कार्रवाई अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी में सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की उपस्थिति में होगी। बदसात, हरामखोर, आज अगर मैं कानून के दायरे में न बंधा होता तो उस त्यागी को गोली मार देता। कल इसी अदालत में राखी को पेश करके त्यागी के सफेद झूठ का पर्दाफाश करूंगा मैं। लेकिन राखी तो अदालत में नहीं आ सकती सर। क्यों, क्यों नहीं आ सकती वो? उसे कल अदालत में आना ही होगा। मगर सर, अर्जुन की इस किलिंग्स का राखी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। जब से उसे ये खबर मिली है वो पत्थर बन गई है। खंडाला के सेंट मेरी सेनेटोरियम में उसका इलाज चल रहा है सर। जरूर कोई राज है जो अर्जुन मुझसे छिपा रहा है। पत्थर मत बनो राखी, बताओ उस हत्याकांड की असली वजह क्या थी? तुम्हारा एक भाई हैदर अली बेगैरत मौत मर चुका है और दूसरे के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी कि तुम्हारे भाई अर्जुन को सजाए मौत मिले? क्या ये सुनकर जिंदा रह सकोगी तुम कि तुम्हारा भाई अर्जुन एक नीच और गिरे हुए कैरेक्टर का आदमी है? ए पत्थर दिल औरत, क्या लोगों की लगाई हुई ये तोहमत बर्दाश्त कर पाओगी तुम कि तुम्हारे भाई अर्जुन के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे? क्या सुन सकोगी कि तुम अर्जुन की रखेल हो? नहीं!
मुझे साफ साफ बताओ बेटी के सच क्या है, शायद मैं अर्जुन की जिंदगी बचा सकूं। बताओ सच्चाई क्या है? मैं बताऊंगी अंकल, मैं बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। तुम झूठे हो, बकार हो तुम। तुम वो अर्जुन नहीं हो जो बा आवाज से बुलंद बेखौफ होकर सच्चाई का सामना करते थे। कहां गया वो अर्जुन? हैदर की मौत के साथ वो अर्जुन भी मर गया सर। अर्जुन कभी मरते नहीं, अर्जुन लड़ते हैं। नहीं लड़ना मुझे, मैं मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं मैं, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान के लिए आप प्लीज यहां से चले जाइए, चले जाइए सर। योर ऑनर, ये कुछ कागजात हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब को दे रहा हूं, आप जरा गौर फरमाइए। हां तो मुख्यमंत्री जी। जी। ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे चुनाव प्रचार के पैम्फलेट्स हैं और ये मेरा अखबार मेरा भारत महान। क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहां छपते हैं? मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में। गुड। हां तो पुलिस कमिश्नर साहब, आपके हाथ में क्या है? ये हैदर और अर्जुन राणावत के आईएसआई एजेंट्स होने के पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेजों की प्रिंटिंग की स्याही वही है जो मुख्यमंत्री जी के अखबार मेरा भारत महान की है। अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं योर ऑनर, या तो काशी त्रिवेदी जी का अखबार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है, और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र इंडिया में छपते हैं। योर ऑनर, ये दोनों महापुरुष इस जरा सी बात को भूल गए और इन्होंने अर्जुन और हैदर को देशद्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये केस झूठे दस्तावेजों का नहीं बल्कि हत्या का है, और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने 18 हत्याएं की हैं। क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वजह जो इन हत्याओं को जायज ठहरा सके? वजह है योर ऑनर। तो बताइए वो वजह और अर्जुन को निर्दोष साबित कर दीजिए। आप खामोश क्यों है, बताइए ना वजह वकील साहब। वजह मैं जानता हूं योर ऑनर, लेकिन मैं अदालत को बता नहीं सकता। आप जानते हैं कि आपका यह बयान आरोपी को मृत्यु दंड दिला सकता है? हां जनाब।
दे दीजिए अर्जुन को मृत्युदंड। मैं अंतिम बार पूछता हूं कि हत्या की क्या वजह थी? जवाब दीजिए समर सिंह जी। इसे मृत्युदंड दे दीजिए, मैं वजह नहीं बता सकता। योर ऑनर। योर ऑनर, वजह मैं बताऊंगी। नहीं राखी, तुम वापस लौट जाओ। मैं कहता हूं लौट जाओ राखी। तुम्हें मेरी कसम है राखी, लौट जाओ यहां से। राखी तुम्हें मां का वास्ता है, लौट जाओ इस नर्क से। नहीं भैया, हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने से आज मुझे कोई कसम, कोई भगवान भी नहीं रोक सकता। जज्बाती मत बनो राखी, तुम बर्बाद हो जाओगी। हो जाने दो बर्बाद मुझे। आज मैं बता कर रहूंगी कि हकीकत क्या है। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इस सीएम का भाई डेप्यूटी सीएम बद्रीनाथ त्रिवेदी, अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी, इंस्पेक्टर अवस्थी, इस कमिश्नर का बेटा और इनके अभी मुझे किडनैप करके इसके फार्म हाउस पर ले गए। योर ऑनर, मेरा बलात्कार करने के लिए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन रिनावत, मैं जफर सुपारी। अगर हिम्मत है तो सीएम के फार्म हाउस पर आकर रोक ले अपनी बहन की इज्जत का इनकाउंटर। जफर सुपारी,
अर्जुन! यह है उस रात की हकीकत। क्या अब भी कोई जानना चाहता है कि मेरा भाई खामोश क्यों है और क्यों वो अपने लिए मौत मांग रहा है? रुक जाइए जज साहब। योर ऑनर, मैं एक सिपाही हूं, नहीं चाहिए मुझे जिंदगी की भीख, मुझे चाहिए विजय या वीरगति। दीजिए मुझे मृत्यु दंड, क्योंकि मैं फिर से लौट कर आऊंगा और अपने देश की गर्व की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा, क्योंकि अर्जुन रणभूमि में शस्त्र उठाते थे, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ये अदालत मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी और कमिश्नर देश पांडे पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ ही समाज और संविधान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले अर्जुन राणावत को सम्मान के साथ आरोप मुक्त करती है। अर्जुन राणावत जिंदाबाद।